जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी व्याकरण की इस तीसरी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिशन शिक्षण संवाद में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में प्राथमिक स्तर की और जूनियर स्तर की दोनों ही स्तर की कक्षाएं शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन कक्षाएं भी चल रही हैं, तो आप सभी इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और आप YouTube पर जाकर इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है शीट क्रमांक 3, जिसका जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार तो हम आज पढ़ेंगे ही, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि वर्ण विचार होता क्या है। लेकिन इससे पहले हम पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा उसको समझते हुए आज का जो हमारा प्रकरण है उसको उसमें हम जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब जो हमने पिछला पढ़ा है उसको हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए आज अपने इस टॉपिक पर आएंगे। बच्चों, हमने पहली कक्षा में क्या समझा था, क्या पढ़ा था? भाषा के बारे में पढ़ा था। हम अगर थोड़ी सी भाषा के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति है वह कहाँ रहता है? बच्चों, समाज में रहता है। और समाज क्या है? समाज लोगों का समूह है। बहुत सारे व्यक्ति एक साथ जब रहते हैं तो वो समाज बन जाता है। इस समाज में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें, सहायता ना करें, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। और ये मदद और सहायता करने के लिए हमें अपने मनोभावों को प्रकट करना आवश्यक है, और इन मनोभावों को प्रकट करने के लिए हमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों, भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरों की बातों, भावों और विचारों को ग्रहण करता है। इसी क्रम में अगर हम इसको समझें कि जो भाषा है वो होती क्या है, भाषा कितने प्रकार की है बच्चों, तो भाषा हमने समझा था कि भाषा दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक और एक होती है लिखित, यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये बहुत हमें मुझे समझाने की आवश्यकता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। मौखिक मतलब बोलकर और लिखित मतलब लिखकर। मौखिक भाषा देखिए बच्चों सहज होती है। ठीक है, मौखिक भाषा यानी बोलना तो कोई भी बोल सकता है, वो शिक्षित नहीं है तो भी बोल सकता है। लेकिन अगर लिखित भाषा है तो थोड़ी सी क्लिष्ट होती है। जो मौखिक में बोला गया है उसे अगर हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो हमें उसे लिख कर रखना होगा, और लिखित भाषा के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे लगता है बोलते बार बार दोहराते दोहराते आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह हमने भाषा को पढ़ा। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं कि हमारा आगे का टॉपिक था भाषा और व्याकरण। आखिर यह भाषा कैसे बोली जाती है, कैसे समझी जाती है, कैसे लिखी जाती है, यह हम कैसे जानेंगे? ठीक है, इसका ज्ञान हमें कौन कराएगा? तो इसका ज्ञान बच्चों हम करेंगे व्याकरण के अंतर्गत, जिसके छोटे छोटे प्रकरण को हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं, और आज हमारा देखिए देखते देखते तीसरी क्लास हमारी आ गई। ऐसे ही धीरे धीरे हम व्याकरण के हर प्रकरण को पढ़ेंगे और भाषा के विस्तृत रूप को जानेंगे, और इस तरह अंत तक आते आते हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किसी भी भाषा के नियमों का जो अध्ययन होता है वो जिस शास्त्र के अंतर्गत होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। उस शास्त्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस शास्त्र को हम व्याकरण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बोलें तो व्याकरण जो है वो हमें
एक ओर भाषा के नियमों की जानकारी देता है और दूसरी ओर यह भी बताता है कौन व्याकरण यह भी बताता है कि भाषा के वाक्य का सही प्रयोग किस तरीके से करना है। ठीक है, सही प्रयोग कौन बताता है बच्चों? व्याकरण बताता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बार बार आपको दोहराने का, हम लोग दोहराते इसलिए हैं बार बार कि आप चीज़ों की एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ें और धीरे धीरे ये कड़ियाँ जुड़ते जुड़ते एक माला बन जाएगी, यानी भाषा और व्याकरण की एक माला हमारे सामने तैयार हो जाएगी। इसके बाद बच्चों हमने जाना था कि जो ये शास्त्र है इसको हम किन बिंदुओं के अंतर्गत, मतलब व्याकरण जो है इसके नियमों का अध्ययन जो है हम किन प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे बच्चों। तो ये प्रमुख शीर्षक भी हमने समझे थे, पहला था वर्ण विचार है, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है बच्चों वाक्य विचार। ठीक है, ठीक है। अब देखिए वर्ण विचार में हमने समझा कि ध्वनि के लिखित रूप अर्थात लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी बोल सकते हैं। जो वर्ण होता है बच्चों इसका इससे छोटा खंड नहीं हो सकता है। जो भी वर्ण है क ग, ठीक है, अब इसको इससे छोटे हम रूप में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब शब्द क्या है? वर्णों का समूह, वर्णों के मेल से शब्द बनेंगे और शब्दों के मेल से बच्चों क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने इसको समझा। अब हम आज का अपना जो टॉपिक है वर्ण विचार उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो हमें, देखिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको थोड़ा सा विस्तृत तरीके से चीज़ों को पढ़ना और समझना चाहिए, भले ही कम की आशा की जाए, कम के बारे में बात की जाए, कम चीज़ें पूछी जाएं, लेकिन अगर हम उसके आगे पीछे सारे पहलुओं को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो बच्चों अगर हम बात करें वर्ण की तो वर्ण किसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो आप अपने मन में उसको दोहरा सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, लेकिन आपको आज अच्छे से बताया जाएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों प्रत्येक जो भाषा होती है, जो भाषा होती है कोई भी भाषा हो, ठीक है, जो ये भाषा है प्रत्येक भाषा के अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले अलग अलग कुछ अक्षर या चिन्ह होते हैं। मतलब किसी भाषा को, कोई भी भाषा है तो इसको प्रकट करने के लिए कुछ अक्षर या चिन्ह होंगे बच्चों, ऑफ कोर्स होंगे, अदरवाइज हम कैसे उनको, इंग्लिश है तो इंग्लिश में कितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश को पढ़ते और समझते हैं। ठीक है, ऐसे ही गुजराती में बहुत सारे अक्षर हैं, ठीक उसी तरह भाषा, ये पूरे भाषा की बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। मैं ये बात नहीं आपसे कह रही हूँ कि मैं हिंदी की बात कर रहे हैं कि संस्कृत की बात कर रहे हैं कि गुजराती की बात कर रहे हैं, ये भाषा की बात हो रही है और भाषा में बहुत सारी भाषाएँ हैं। तो प्रत्येक भाषा के अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले अलग अलग कुछ अक्षर अथवा चिन्ह होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। शब्द का सबसे छोटा खंड, ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे? शब्द का सबसे छोटा खंड, ठीक है, जिसके और खंड ना हो सके, जिसके और खंड
ना हो सके। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे वर्ण। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे बोलेंगे हम वर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है कि शब्द का सबसे छोटा खंड जिसके और खंड न किए जा सकें उसे हम बोलेंगे वर्ण। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि बच्चों भाषा का जो आधार है वह क्या है। भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियां हैं। ठीक है, लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियां जो होती हैं इनको कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं लिखित भाषा के लिए, जिन्हें लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं, अभी हमने समझा। अतः यदि वर्ण जो वर्ण है वो किसी ध्वनि का लिखित रूप है और जो ध्वनि है वो उस वर्ण को उच्चारित करता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि वर्ण को हमने एक और नाम से पुकारा है। क्या, किस नाम से पुकारा है बच्चों? अक्षर। ठीक है, किससे पुकारा है बच्चों? अक्षर से। तो वर्ण के सूक्ष्म जो वर्ण के जो सूक्ष्म भेद है उसको हम अक्षर कहते हैं, ये हम समझ गए हैं। अक्षर जिसका शर न हो। ठीक है, जिसका कभी शर नहीं होता, मतलब जो कभी भी नष्ट ना हो। ठीक है, अक्षर का क्या अभिप्राय है? अक्षर शर मतलब नष्ट नहीं होता। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यानी मैंने जो आपको समझाया वो सिंपली ये है कि अधन शर। ठीक है, और ये जो शर है इसका अभिप्राय यह है, यानी अक्षर का अभिप्राय यह है कि वह ध्वनि जो नष्ट नहीं होती सदैव रहती है। अतः छोटी से छोटी ध्वनि जो खंडित न हो सके उसे अक्षर कहा जाता है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वर्ण जो है वो ध्वनि के लिखित रूप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे अगर हम लिखें तो उदाहरण में आ जाएगा अ, हम बात करें आ, क, ख, ग इत्यादि। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों भाषा में अब ये जो वर्ण है, वर्ण के बारे में तो हम समझ लिए कि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण को उच्चारित करता है। ठीक है, हमने समझ लिया। अब भाषा में ये जो ध्वनियां हैं ये दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? चलिए हम समझते हैं। पहला है बच्चों स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, हम क्या समझेंगे बच्चों कि स्वर किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, ये जो स्वर में जो ध्वनियां हैं वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है, जिनके उच्चारण में मुंह से हवा के निकलने में कोई बाधा नहीं होती है, जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है, जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है। ठीक है, मतलब इसके उच्चारण में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और जिसके उच्चारण में मुंह से हवा बाहर निकल जाती है,
ठीक है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो वर्ण अपने उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना सुनने में, और आपको डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि जो वर्ण अपने उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, जो वर्ण अपने उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, सहायता नहीं लेते, उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वर। अब बहुत सारे हैं, इनकी संख्या बच्चों हैं 11। ठीक है, देखिए बच्चों थोड़ा सा आपको कहीं कहीं इसमें भेद मिल सकता है, ठीक है, इसके लिए घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि हम स्वरों को बोलकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्वरों के उच्चारण में जीभ ऊपर नीचे तो जाती है, पर इतना ऊपर नहीं जाती कि वायु का रास्ता अवरुद्ध हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं यह समझने के लिए कि व्यंजन किसे कहते हैं। बच्चों स्वर के भी भेद हैं जिन्हें हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम समझेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, यू कैन राइट डाउन, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, किसकी सहायता ली जाती है बच्चों, स्वरों की सहायता ली जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और ये भी है, इसका अर्थ यह हुआ कि व्यंजनों का जो उच्चारण है वो बिना स्वर के नहीं किया जा सकता है। बच्चों इनकी संख्या मूल रूप से 33 है। मैंने आपको बोला है इसमें विरोधाभास हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से इसको समझिए कि इनकी मूल संख्या जो है वो 33 है, लेकिन कुछ विद्वान इनकी संख्या 35 भी मानते हैं, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आगे हम इसको भी समझेंगे, इनके भी भेद को समझेंगे। इससे पहले हम यह जानें कि व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख से उच्चारित करने पर विभिन्न स्थानों जैसे जीभ, तालु, कंठ और ओष्ठ पर वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा हो जाता है। मतलब जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमारा जीभ भी ऊपर नीचे होगा, हमारे होंठ भी बंद होंगे, खुलेंगे। ठीक है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चों। ठीक है, साथ ही स्वतंत्र रूप में व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है, और मैंने आपको बताया है कि व्यंजन की संख्या 33 है, लेकिन कुछ विद्वान इसकी संख्या 35 भी मानते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम अपने आज का जो कक्षा है इसके अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, और अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे कि ये जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा स्वर और व्यंजन, एक बार अगर आप इसको समझना चाहें तो आपको रिवाइज करा देते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ण विचार, जिसमें जो वर्ण है उसको अक्षर या चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, शब्द का जो वर्ण है वो शब्द का सबसे छोटा खंड है, जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
अब मैंने आपको समझाया कि वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं, अक्षर मतलब अधन, शर मतलब शर मतलब नष्ट नहीं होता है, यह कभी यह अक्षर जो है मतलब इसका कभी भी नाश नहीं होता है, जैसे अ आ क ख ग। और इसके साथ ही मैंने इसको आपको यह भी समझाया कि जो वर्ण हैं वो दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें स्वर जो है वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जा सकता है, जिनके उच्चारण में मुंह से हवा के निकलने में कोई बाधा नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वर्ण अपने उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं वे स्वर हैं। और इनकी संख्या बताई आपको कि इनकी संख्या जो है वो 11 है, ठीक है। और ये भी बोला कि जो स्वर हैं उनके उच्चारण में जीभ ऊपर नीचे तो आती है, पर इतना ऊपर नीचे नहीं आती कि उसको बोलने में वायु उनका रास्ता अवरुद्ध करे, ठीक है। अब हमने इसके बाद समझा व्यंजन किसे कहते हैं। तो बच्चों जो व्यंजन होता है वो होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हम सहायता के बिना नहीं कर सकते। मूल रूप से ये 33 है लेकिन कुछ विद्वान इसको 35 भी मानते हैं। बच्चों जब व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं, अगर हम इसको ऐसे समझें कि व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में जब हम मुख से उनको उच्चारित करते हैं तो जो हमारा इसमें जो है वो उच्चारित करने में विभिन्न स्थानों जैसे जीभ, तालु, कंठ और ओष्ठ पर वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा हो जाता है, ठीक है। यानी जो मैंने बता ही दिया कि साथ ही या स्वतंत्र रूप में व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हम नहीं कर सकते हैं, और यह संख्या में 33 है। अब मैं आपको आज के जो हमारा ये प्रकरण है उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर यहाँ पर लिख देती हूँ, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न बच्चों यह है कि भाषा के नियम किसमें अंकित हैं। भाषा के नियम किसमें अंकित हैं। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका कि स्वर की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, स्वर की परिभाषा क्या है। ठीक है, तीसरा, व्यंजन से आप क्या समझते हैं। व्यंजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये कक्षा ख़त्म होती है। बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पर जाकर हमारी सारी कक्षाओं को देखें और उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए। आप इसी तरह कक्षा में जुड़ते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बच्चों अब हम आज के अनुच्छेद को पढ़ेंगे। बच्चों आज का हमारा अनुच्छेद आप जैसे ही एक प्यारे बच्चे के बारे में है। जैसे आप सभी गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाते हैं, वैसे ही राम भी अपने मामा के घर गया हुआ है और उसे ध्यान भी नहीं है कि उसके विद्यालय खुल चुके हैं। अभी कुछ देर पहले माताजी का फ़ोन आया और उन्होंने राम को बताया कि माताजी ने राम को बताया कि आज तुम्हारी अध्यापिका विद्यालय के लिए तुम्हें बुलाने आई थी और अब तुम्हें अपने घर वापस आ जाना चाहिए।
बच्चों यहाँ विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य बात है कि माताजी फोन पर राम से ये सब बातें कह रही हैं। यह बात सुनकर कि विद्यालय खुल गया है, राम ने कहा, मैं अभी और कुछ दिन मामा जी के यहाँ रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ मन लग रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है मामा जी के यहाँ रहने में। राम की माता जी ने जब उसे वापस बुलाया तो राम ने अपनी माता जी से कहा कि माता जी, अभी मैं कुछ और दिन मामा जी के यहाँ रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ मन लग रहा है। राम की यह बात सुनकर उसकी माता को यह बात सही नहीं लगी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब तुम घर वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हारे विद्यालय खुल गए हैं और तुम्हारा प्रतिदिन विद्यालय जाना बहुत आवश्यक है। अगर तुम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी, तुम पढ़ाई में पीछे हो जाओगे। बच्चों यहाँ पर माता अपने बच्चे को समझा रही हैं कि पढ़ाई छूट जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और जब तुम घर वापस आ जाओगे तो तुम्हारे सभी साथी तुमसे पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाएंगे और जब तुम्हारी शिक्षिका तुम्हें कुछ समझाएगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि तुम्हारी तो पढ़ाई छूट जाएगी तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए तुम घर वापस आ जाओ। माँ के इतना समझाने के बाद अंत में राम को अपनी माँ की बात एकदम सही लगी। उसने कहा, माँ ठीक है, मैं आज शाम को ही घर वापस आ जाता हूँ और कल से ही विद्यालय में जाऊँगा। बच्चों अब हम पढ़े हुए अनुच्छेद के प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। आज के अनुच्छेद का पहला प्रश्न है, राम किसके घर गया हुआ है? उत्तर के ऑप्शंस हैं, अ अपनी बुआ के घर, ब दोस्त के घर, स मामा के घर, द कहीं नहीं। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एकदम सही, इसका उत्तर होगा स, राम मामा के घर गया हुआ है। प्रश्न दो है, राम के पास यानी उसके पास किसका फोन आया था? उत्तर के ऑप्शंस हैं, अ माता जी का, ब दोस्त का, स अध्यापिका का या द भाई का। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, राम के पास किसका फोन आया? हाँ बच्चों, इसका उत्तर होगा अ, राम के पास माता जी का फोन आया था। प्रश्न तीन है, माता जी ने उसे क्या बताया? उत्तर के ऑप्शंस हैं, अ तुम्हारे पिताजी झगड़ा कर रहे हैं, ब तुम्हारा विद्यालय खुल गया है, स दादी तुमसे नाराज हैं या द तुम्हें अब विद्यालय नहीं जाना। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एकदम सही, माताजी ने उससे क्या बताया कि तुम्हारा विद्यालय खुल गया है, यानी उत्तर जो है वो है ब। प्रश्न चार है, माताजी को विद्यालय खुलने की जानकारी किसने दी? उत्तर के ऑप्शंस हैं, अ राम के दोस्तों ने, ब पड़ोस के बच्चों ने, स माताजी ने सपने में देखा या द राम की अध्यापिका ने। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एकदम सही, इसका उत्तर होगा द, माताजी को विद्यालय खुलने की जानकारी अध्यापिका ने दी। बच्चों आज के अनुच्छेद का आखिरी और पांचवा प्रश्न है, यदि राम विद्यालय नहीं जाएगा तो क्या होगा? उत्तर के ऑप्शंस हैं, अ राम की पढ़ाई छूट जाएगी, ब राम के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स राम अच्छा बच्चा बन जाएगा या द राम बीमार हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एकदम सही, इसका उत्तर होगा अ, यदि राम विद्यालय नहीं जाएगा तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का जो वीडियो है, जो हमारा आज का टॉपिक था वर्ण विचार, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड तीन प्रश्न हैं जिसे वीडियो के अंत में लिखा गया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा, लिखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अनुच्छेद के प्रश्नों के हल भी आपने अच्छे से समझे होंगे। मिशन शिक्षण संवाद में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में जितने भी वीडियो आ रहे हैं बच्चों, उनको बार बार देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।